तहलका इंडिया न्यूज, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत बड़नगर के ग्राम रणवा और एंगोरिया में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना द्वारा जागरूकता अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है कि आरक्षण को कुछ विधायकों सांसदों द्वारा संविधान की 9वीं सूची में दर्ज किए जाने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन करनी सेना इसका विरोध कर रही है और किसी भी हालत में आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राजपूत करनी सेना गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रही है। राजपूत करनी सेना की मांगें अगर नहीं मानी जाती हैं तो अगर आंदोलन करने की बात भी कर गई है। तहलका इंडिया न्यूज के लिए उज्जैन बड़नगर से महेश सोनगिरा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और क्या आयोजन था? आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की रणवा और इंगोरिया में बैठक का आयोजित किया गया था। इसके पीछे करनी सेना द्वारा एक जागरूकता अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। सांसद और विधायकों द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखे जा रहे हैं जिसमें आरक्षण को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। करनी सेना इसका विरोध कर रही है और किसी भी परिस्थिति में हम लोग आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं जाने देंगे, इसीलिए हम लोग जन जागरण अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चला रहे हैं और शीघ्र ही एक महाआंदोलन का तैयारी भी हम लोग करते हैं। आपका नाम और शैलेंद्र सिंह झाला, प्रदेश संगठन मंत्री, श्री राष्ट्रीय राजपूत।